Second application of Ampere circuit law, to find magnetic field B, magnetic induction या magnetic field B किसकी वजह से? Due to toroidal solenoid. Solenoid क्या होता था? Straight, कि आप एक wires को गोल गोल घुमाओ straight, वो solenoid है. Toroidal solenoid क्या होता है? अगर आप solenoid को गोल कर दो ऐसा, ये देखो ऐसे, तो आपने वायर ली, गोल गोल घुमाई और शेप भी क्या दी? सर्कुलर रिंग की तरह, एक रिंग की तरह. तो ये इसको बोलते हैं टोरॉइड या बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनोइड. तो क्वेश्चन ये है, इसके अंदर, इसके एक्सिस पे आपको बी निकालना है क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर आपको बी निकालना है क्या होगा? तो रूल नंबर वन, जब आपको जहां बी निकालना है, कहां निकालना है? इसके एक्सिस पे निकालना है. तो आप एक काम करो, आप क्लोज्ड पाथ भी एक्सिस पे ले लो. तो इसका जो क्लोज्ड पाथ है वो ये रिंग जो दिख रही है, ये इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है. ये जो रिंग है ये कुछ नहीं है, इमेजिनरी क्लोज पाथ है. तो आपने क्लोज पाथ लिया, कहां लेना होता है? जहां बी निकालना है. बी कहां निकालना है? एक्सिस पे निकालना है. बाहर तो निकालना ही नहीं, तो अंदर ही अंदर एक क्लोज पाथ ले लिया. तो इसके अंदर बी भी होगा, इसमें डीएल भी होगा. तो बी और डीएल में एंगल क्या होगा? जीरो होगा. रिंग में बी और डीएल में एंगल जीरो होगा. तो इसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल बी डॉट डीएल क्या होगा? बी बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ डीआर आपको क्या देगा? 2πr. तो मान लो आपने जो इमेजिनरी क्लोज पाथ लिया उसका रेडियस क्या लिया? आर लिया. तो क्या लिया आपने? बी इंटू 2πr. क्लियर है? तो बी डॉट डीएल आ गया. लेकिन हमें एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या बताया कि बी डॉट डीएल क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो पास कर गया. अब प्रॉब्लम क्या है? जो क्लोज पाथ है उसमें टर्न्स ही टर्न्स आ रहे हैं, और लेंथ कितनी है उस क्लोज पाथ की? 2πr. तो मान लेते हैं छोटा एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो कितनी लेंथ में क्लोज पाथ पास कर रहे हैं? 2πr. तो n इंटू 2πr आपको क्या देगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इंटू लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई. तो ये क्या आ गया? ACL लग गया. एक काम करो, इसे और इसे इक्वेट कर लो. इक्वेट करोगे 2πr से 2πr कैंसल, आंसर तो वही आ गया जो सोलेनोइड का, वो तो है ही. जब सोलेनोइड को गोल कर दोगे तो बी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो बी की वैल्यू विल रिमेन सेम. तो चाहे सोलेनोइड हो चाहे टोरॉइडल सोलेनोइड हो, आंसर विल रिमेन सेम. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक?